युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शशांक नाग परिवार सहित पीड़िता के घर में किराए पर रहता था और उसी दौरान दोनों का आपस में संबंध हुआ और आरोपी ने वीरभद्र नगर के रहने वाली अपनी बहन और जीजा के मकान में ले जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद 28 अगस्त को आरोपी शशांक ने दोनों के संबंध का एक वीडियो बनाया और परिजनों को भेज दिया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी ने जब पीड़िता के साथ पहली बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था तब उसकी उम्र 17 वर्ष थी, इसलिए इसमें आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी 28 अगस्त को लड़के ने जो वीडियो बनाया था दोनों के संबंध का, उसको लड़की के ही परिवार वाले बहन के फोटो डाल दिया, इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराए हैं और इस पे कार्रवाई किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर छतरपुर से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता